रेडी 1 2 3 4 1 2 रोलिंग. जगातले करोडो लोक क्रिकेट खेळतात आणि तरीही जेव्हा सचिनच्या बॅटीला बॉल लागतो प्रश्न वेगळा असतो. तसं जगातले लाखो लोक तबला वाजवतात पण जेव्हा एका माणसाचा हात तबल्यावरती पडतो तेव्हा तो तबला बोलू लागतो. अंदाज बरोबर आहे. आपल्यासोबत महान कलाकार आहेत झाकीर हुसैन. आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ? बहुत बहुत मेरा शुक्रिया अदा ना करें. मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं एक इतने मतलब सरल लेकिन मतलब दुनिया से भी बड़े इंसान के लिए कुछ बोल सकूँ. क्रिकेट का शौक आपको भी रहा है, हमने भी कहानियाँ सुनी है कुछ. क्या है ये क्रिकेट की? बचपने में कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी बच्चा नहीं है जिसको क्रिकेट का शौक नहीं रहा. और हम लोग तो मतलब वो बीच क्रिकेट जो बोलते हैं वो खेल खेल के बड़े हुए. फिर शिवाजी पार्क ग्राउंड में जाके वहाँ पर भी क्रिकेट खेली, स्कूल के लिए खेला, उंगलियाँ तोड़ी, पिताजी नाराज़ हुए, कान पकड़ के वो जब हम क्रिकेट खेलते थे ले आते थे कि तुम हाथ तोड़ोगे तबला कैसे बजाओगे. तो इसी उधेड़बन में था कि मैं किसी तरह से उनसे बच के निकल जाऊँ और क्रिकेट खेलूँ. तो बचपन में यही होता था. लेकिन एक बार ज़रा ये उंगली टूट गई क्रिकेट खेलने में तो वो बहुत नाराज़ हुए मुझसे पहली बार और मुझसे कहा कि ये अब तुमको छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि तबला एक ऐसी चीज़ है जो मैं तुमको दे सकता हूँ जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो. तो इसको सीखो, इसका रियाज करो, इस पर ध्यान दो, इसकी साधना करो. तो मैंने सोचा कि अब पिताजी मेरे भगवान समान हैं, मेरे गुरु भी हैं, तो उनकी जो उनका जो आदेश है उसको मानना ज़रूरी है. तो वो मैंने किया और मैंने देखा कि मेरे ख्याल से कला में या किसी भी कला में, चाहे वो संगीत की कला हो या चित्र की कला हो या किसी की भी कला हो, उसमें साधना बहुत ज़रूरी है और रियाज बहुत ज़रूरी है. ध्यान, डिसिप्लिन, फोकस, ये जो चीज़ें हैं हम बोलते हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और आदमी जब गुरु कहलाता है तो क्यों कहलाता है कि उसने कुछ ऐसा काम किया और इतने लंबे अरसे में किया और उसी ऊंच कोटि के अंदाज में किया जिस लोगों ने कहा कि हाँ भाई ये है. एक प्रोग्राम बहुत अच्छा बजा लिया तो 50 खराब बजाए ऐसा नहीं. 50 प्रोग्राम बजाए तो उसमें से 45 प्रोग्राम बहुत ही अच्छे हुए. तो ये जो एक कंसिस्टेंसी है और एक मतलब एक स्टेटस का जो संगीत होता है वो जब एक गुरु बजाता गाता है. अब जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी हमारे, वो एक बार प्रोग्राम करके उस्ताद या गुरु नहीं बने. उन्होंने हज़ारों प्रोग्राम किए और ऐसे प्रोग्राम किए कि लोगों को आंखों में आंसू आ गए, लोग ऐसे हो गए जैसे भगवान के सन्मुख बैठे हुए हैं, तब जाके गुरु कहलाए. उसी तरह से मुझे लगता है कि अब हम अगर सचिन भाई के बारे में बोलेंगे तो वैसी ही साधना, वैसा ही डिसिप्लिन, वैसा ही मतलब फोकस जो उनका अपने आर्ट में है. मैं क्रिकेट उनका जो काम है वो भी एक आर्ट है. मतलब आदमी सोच नहीं सकता कि जब हम किसी गुरु को सुनते हैं तो वो तबले में जब तिहाई बन के आते हैं और इतनी सी जगह में से वो मात्रा को निकाल के सम पे जब डालते हैं तो उसी तरह से जब हम देखते हैं कि एक इतना वेट किया और ज़रा सा उसको टच दे दिया और थर्ड मैन से निकल के बाउंड्री पे पहुंच गया, या इतना वेट किया कि यहाँ आया और उसको ऊपर से निकाल दिया गली के ऊपर से. मतलब ये मात्रे की बात है कि इतनी सी जगह में क्या करना है. ये एक उस्ताद और एक गुरु का ही काम है और किसी का नहीं है. और वो गुरु मतलब उस काम को अच्छी तरह से ऊपर से नीचे से साइड से अंदर से समझ के और अपना बना के उसको करे तो बात बनती है. एक सितार वादक हमारे पुराने गुरु उस्ताद विलायत खान साहब, तो लोग कहते थे कि सितार ने उनको गुरु मान लिया. सितार ने उनको गुरु मान लिया. उन्होंने ऐसा उस पर रियाज किया, ऐसी उस पर साधना की और ऐसा उसके ऊपर अपना ध्यान दिया कि सितार भी उनके सामने झुक गया कि आप मुझे बजा सकते. उसी तरह से अगर हम सोचें
कि अगर बल्लेबाजी है और उसका अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है स्टेज पर, तो उसको प्रोग्राम को कौन परफॉर्म कर सकता है? कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसको हम सुनने देखने जा सकते हैं क्रिकेट में? तो उसी तरह से क्रिकेट ने जिसको अपना गुरु मान लिया वो है सचिन। आप इतनी दुनिया भर में घूम लेते हो, आपको क्रिकेट फॉलो करना पॉसिबल होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। आजकल तो मतलब वेबसाइट पे आप चले जाइए, एक वेबसाइट है www. क्या बोलते हैं cricket_365 ऐसा कुछ बोल के है, तो मैं उस पर चला जाता हूँ। तो कहीं भी रहूँ यूरोप में या अमेरिका में या कनाडा में कहीं भी, तो आई कैन टर्न इट ऑन एंड आई कैन वॉच, और मैं देखता हूँ। और वो कभी कभी सारी रात जागना पड़ता है क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है, तो कोई बात नहीं। देखिए भाई, ये जो यश मिला है सचिन को, आपको भी ऊपर वाले ने इतना यश दिया, ये यश कंसिस्टेंटली रखना, वो कमाने के बाद भी ग्राउंडेड रहना, ये कितना इम्पोर्टेंट रहता है, कितना मुश्किल रहता है? ये मुश्किल बहुत होता है। एक तो गुरु के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं चाहे कितना भी रियाज कर लूं और बजा लूं, लेकिन अगर गुरु का आशीर्वाद नहीं है तो उसका जो असर पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। उसी तरह से सचिन भाई के ऊपर भी गुरु का आशीर्वाद है और बचपन से रहा है कि जा, तू जहां भी जाएगा और जहां भी खेल के मैदान में उतरेगा विजय। तो वो एक गुरु का आशीर्वाद है। लेकिन इस बात को समझना कि मैं जो हूँ वो मेरे पीछे इतने सारे लोगों ने ये काम किया और इस काम को यहाँ तक बढ़ा दिया कि मैं उसको लेके अब वहाँ चला जाऊँ, तो मैं 5000 बल्लेबाजों के कंधे पे चढ़ के मैं इस आसमान पे पहुँचा हूँ, मैं अकेला ही इतना बड़ा नहीं बन गया। तो इस चीज़ को समझना। और मैं जब बजाने बैठता हूँ तो मुझे मालूम है कि मेरे पीछे 5000 तबला वादकों ने जो तबले पे की चर्चा की है, जो उसकी साधना की है, जो उसके ऊपर ध्यान देके चीज़ों को निकाला है, उसका जो निचोड़ मुझे उन्होंने दिया है वो उनके आशीर्वाद का और निचोड़ का असर है जो मैं यहाँ पहुँचा। तो इस चीज़ को अगर मैंने समझ लिया और ये जान लिया कि मैं आखिर को एक इंसान हूँ, मैं कोई देवता नहीं जो जो चाहे कर लूँ, नहीं होगा। इसीलिए हम जब मैदान में उतरते हैं तो किसी दिन विजेता होती है, किसी दिन नहीं भी होती है। तो ये ऊपर वाले का एक हमारे ऊपर आदेश है कि अब बेटा ये देख लो कि आज मैंने तुमको वहाँ नहीं जाने दिया। और वो इस वजह से कि मुझ में और तुम में वो फर्क है। तो अगर वो हमने समझ लिया तो फिर आगे बढ़ने के लिए काफ़ी जगह है। हम जानते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मतलब होराइजन इज ओवर देयर एंड आई विल वांट टू गो टू द होराइजन बट आई विल नेवर गेट देयर। सो ग्रेटनेस एंड परफेक्शन इज समथिंग वी ट्राई टू अचीव एंड इन दैट ट्राइंग टू अचीव हाउ we try to get there identifies us as a person of substance or no substance and that is what is something special about Sachin that his journey towards that perfection in itself is an exercise in perfection and that's and I can't say anything more than that. शकीर भाई, आपकी बात हो, सचिन की बात हो, करोड़ों लोगों को आनंद देना सगळ्यात मोठं समाधान हेच आहे आयुष्यात असं मला वाटतं, पर आय डोंट नो, मे बी देअर समथिंग मोर एंड यू कॅन नेव्हर टेल, आय कॅन नेव्हर टेल, आय एम स्टील लुकिंग, आय एम स्टील ट्राइंग टू सी वेअर आय एम विथ माय आर्ट and the more I look inside of it and I go deeper down in it and then I look up and I see that my God, the sky has gone further away. So the more you know, the more there is to know. The more you achieve, the more there is to achieve. And so that's basically life.
and as long as we understand it, we will be grounded, and our feet will be firmly on the ground, and we will always look to get better. My father, my teacher told me once, Beta, don't try to be a master. Just try to be a good student, and you will get by just fine. I live by that motto, and I've seen that every day I step out, there is something new to learn. Every day I get onto the stage and I'm playing with a new musician, I find something different in our interaction that shows me something new in my playing. And similarly, when Sachin faces a new bowler, and the way the ball comes at him and the way he has to react to be able to address that ball coming to him may show him another foot movement that he may have not done before, and therefore another angle with which to reach his bat to the ball, and another wrist movement, and another direction to show the ball where to go. So every day you learn something new, and as long as that is in our mind, we're fine, we're grounded. तो ये जर्नी ऐसी ही चालू रहेगी देयर इज नो पॉइंट इन इवन थिंकिंग ऑफ बिकमिंग ग्रेट और मास्टर और गुरु और समथिंग इट्स ऑल अबाउट द जर्नी इट्स ज़ेन उसमें ही ब्यूटी है उसी में ब्यूटी मजा है जकीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया माय प्लेजर थैंक्स हे आहेत जकीर हुसैन आणि वेगळ्या पद्धतीची माहिती आज सचिन वर